वायरलेस कीबोर्ड या फिर माउस इवन कॉम्बो अगर आप मार्केट में परचेज करने जाते हो तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलती हैं, आइदर ब्लूटूथ और यूएसबी आरएफ या फिर यू कह सकते हो यूएसबी रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इन दोनों में से कौन सा लिया जाए, तो आइए आज की इस वीडियो में इन दोनों का ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एनालाइज करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोमोजीत, आप देख रहे हैं गीकी सोमो यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है लेटेंसी की। जब भी हम कोई एक पेरिफेरल हमारे कंप्यूटर्स के लिए परचेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा मेन कॉन्सर्न रहता है कि लेटेंसी जितना हो सके उतना कम हो। जैसे ही हम किसी भी तरीके का कोई इनपुट हमारे कंप्यूटर को दे, कंप्यूटर इमीडिएटली उस इनपुट को एक्सेप्ट करे और उस इनपुट के अकॉर्डिंग वो काम करे। जैसे कि अगर आप कोई एक कॉम्पिटिटिव गेम खेल रहे हो तो इस गेम में आप जैसे अपने माउस को मूवमेंट करते हो, अपने माउस की जैसे ही मूवमेंट करते हो इमीडिएटली जो कैरेक्टर है उसका भी मूवमेंट हो। जैसे ही आप कोई एक बटन प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से या फिर अपने माउस से तो इमीडिएटली गोली चले या फिर वेपन स्विच हो जाए या फिर आप तेज़ भाग सको। तो ये सारी चीज़ें जितना हो सके उतना जल्दी हो। जैसे ही आप कोई एक की प्रेस करते हो, जैसे ही आप माउस से कोई एक बटन प्रेस करते हो इमीडिएटली सारे काम होना चाहिए। अगर पेरिफेरल्स का लेटेंसी ज़्यादा होती है तो माउस की बटन या फिर कीबोर्ड की कोई एक की प्रेस करने के साथ साथ ही कंप्यूटर एक्शन नहीं दिखाएगा, जिससे आप गेम पे हार जाओगे अगर कॉम्पिटिटिव गेम खेल रहे हो तो। अगर आप कोई एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें लेटेंसी जितना कम है उतना ही बेहतर है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो अकॉर्डिंग टू रेजर यूएसबी आरएफ या फिर यूएसबी रेडियो फ्रीक्वेंसी में हमें लेटेंसी मिलती है अराउंड 1 मिलीसेकंड की, पर जो ब्लूटूथ है यहाँ पे हमें लेटेंसी मिलती है अराउंड 1.3 मिलीसेकंड की। सेम सिनेरियो है लॉजिटेक के साथ भी। इनका प्रोप्राइटरी 2.4 गीगाहर्ट्ज कम्युनिकेशन के साथ लाइट स्पीड माउस में लेटेंसी मिलती है अराउंड 1 मिलीसेकंड की। तो अगर आपको लो लेटेंसी कीबोर्ड एंड माउस की ज़रूरत है तो आपको यूएसबी आरएफ के साथ ही जाना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि लेटेंसी ही हमेशा सब कुछ नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। जैसे कि जो यूएसबी आरएफ है यहाँ पे एक डोंगल होता है, आपने शायद देखा होगा अगर आपने यूज़ किया है तो यहाँ पे एक डोंगल होता है। इस डोंगल को आपको अपने होस्ट डिवाइस के साथ कनेक्ट करना होता है, जैसे कि वो लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आईपैड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद जो कीबोर्ड और माउस है वो वर्क करेगा और यहाँ पे शुरू होती है प्रॉब्लम। जो यूएसबी आरएफ डोंगल होते हैं यहाँ पे जो यूएसबी पोर्ट है वो जनरली एक फुल साइज यूएसबी या फिर यू कह सकते हो यूएसबी टाइप ए पोर्ट होता है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पोर्टेबल डिवाइसेस में किसी भी तरीके का कोई यूएसबी टाइप ए पोर्ट नहीं होता है जनरली। यहाँ पे जो स्मार्टफोन्स होते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं होता है, पर जो टैबलेट होते हैं यहाँ पे कुछ केसेस में आपको यूएसबी टाइप ए पोर्ट देखने को मिल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन पे आप क्या करोगे, आपको एक ओटीजी केबल यूज़ करना पड़ेगा, या तो वो माइक्रो यूएसबी हो सकता है या फिर टाइप सी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर डिवाइस। यहाँ पे आप जैसे एक ओटीजी केबल यूज़ करोगे इसके साथ आपको अपना जो आरएफ रिसीवर है इसको लगाना पड़ेगा, तभी जाके आप उस कीबोर्ड और माउस को यूज़ कर पाओगे। अब आप यहाँ पे एक चीज़ सोच के देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो जो यूएसबी रिसीवर है, जो यूएसबी आरएफ रिसीवर है या फिर जो ओटीजी केबल है वो खो जाने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। और ये बात भी आप अपने दिमाग पे बिल्कुल बिठा लो कि अगर आपका रिसीवर गुम हो जाती है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका जो कीबोर्ड और माउस है वो बिल्कुल बेकार हो गया। ऑल दो यूएसबी यूनिफाइंग रिसीवर की ऑप्शन होती है पर सारे के सारे वायरलेस कीबोर्ड या फिर माउस इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि वर्क करेगा या फिर नहीं, वो रिसीवर, वो यूनिफाइंग रिसीवर वर्क करेगा या फिर नहीं। अब यहाँ पे अगर आपका माउस या फिर कीबोर्ड ब्लूटूथ को सपोर्ट करता है तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आजकल जो मॉडर्न डिवाइसेस है, जो हमारा स्मार्टफोन्स है या फिर टैबलेट्स वगैरह है या फिर इवन लैपटॉप्स है, यहाँ पे हमें ब्लूटूथ की इनबिल्ट सपोर्ट देखने को मिल जाती है, जिससे आप सिंपली अपने माउस को या फिर अपने कीबोर्ड को कनेक्ट कर लीजिए और आपका काम बन जाएगा और वो कीबोर्ड माउस परमानेंटली आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपको वापस से किसी रिसीवर या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जहाँ पे ब्लूटूथ की इनबिल्ट ऑप्शन नहीं होती है, तो वहाँ पे आपको एक ब्लूटूथ रिसीवर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ब्लूटूथ के साथ ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उन लोगों के लिए जो अपने पोर्टेबल डिवाइसेस में ज़्यादातर माउस या फिर कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या फिर टैबलेट वगैरह से जो लोग यूज़ करते हैं अपने माउस या फिर कीबोर्ड को, उनके लिए ब्लूटूथ ऑप्शन ही सबसे बढ़िया है मेरे हिसाब से। पर हाँ, यहाँ पे आपको एक बात की ज़रूर ध्यान रखनी होगी कि जो ब्लूटूथ कीबोर्ड और माउस है, इनका फर्स्ट टाइम सेटअप एक बिल्कुल मैनुअल वर्क है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लग एंड प्ले हम यहाँ पे नहीं कह सकते। पहले तो आपको अपने पेरिफेरल्स को पेयरिंग मोड पे डालना पड़ेगा, उसके बाद अपना जो होस्ट डिवाइस है उसको भी पेयरिंग मोड पे डालना पड़ेगा। इसके बाद इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ना दोनों डिवाइस एक दूसरे को डिटेक्ट नहीं कर लेता। और एक बार पेयरिंग खत्म हो जाने के बाद और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आप अपने माउस या फिर कीबोर्ड को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करोगे या फिर अपने होस्ट डिवाइस के साथ कनेक्ट करोगे, इस टाइम पे आपको वापस से पेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी और इस टाइम से ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता रहेगा। अब अगर आप अपने कीबोर्ड और माउस को ले जाके किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो वापस से अपने दोनों डिवाइसेस में ही, अपने होस्ट डिवाइस में और अपने पेरिफेरल्स में, दोनों में ही आपको पेयरिंग मोड को इनेबल करना पड़ेगा। दोनों डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करेंगे, उसके बाद आप उस कीबोर्ड और माउस को अपने लैपटॉप के साथ या फिर अपने स्मार्टफोन के साथ, जो भी आपका होस्ट डिवाइस है, उसके साथ यूज़ कर पाओगे। तो ऐसे आप जितने नए डिवाइसेस को ऐड करते जाओगे उतने ही बार आपको पेयरिंग करना पड़ेगा। पर USB RF के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उस डोंगल को खोल के आप दूसरे डिवाइस पर लगा दो और काम आपका बन जाएगा। जैसे ही आप एक डोंगल को एक डिवाइस के साथ कनेक्ट करोगे, उस डिवाइस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इमीडिएटली उस डोंगल के रिगार्डिंग सारे के सारे ड्राइवर्स को डाउनलोड करेगा। उस डोंगल के रिगार्डिंग या फिर उस कीबोर्ड या फिर माउस के रिगार्डिंग जो भी ड्राइवर्स होंगे वो सब कुछ डाउनलोड करेगा और आपका काम वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में ही कर देगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस डिवाइस का, वो आपका काम बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली कर देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक या फिर दो मिनट के बाद, इवन कुछ सेकंड्स के बाद, आप देखोगे कि आपका जो कीबोर्ड है या फिर जो माउस है वो वर्क करने लगा है। और हाँ, लास्टली मैं वही चीज़ वापस से दोहराऊंगा, अगर आपका USB RF रिसीवर किसी वजह से गुम हो जाती है या फिर वो ख़राब हो जाती है, तो आपका जो कीबोर्ड और माउस है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। इस टाइम पे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर एक होप रहती है कि अगर वो डिवाइसेस, वो कीबोर्ड और माउस USB यूनिफाइंग रिसीवर को सपोर्ट करती हैं, तो मे बी वो डिवाइसेस वर्क कर जाए, वो पेरिफेरल्स वर्क कर जाए उस यूनिफाइंग रिसीवर के साथ। पर अगर यूनिफाइंग रिसीवर इन पेरिफेरल्स को सपोर्ट नहीं करता है, तो आपका कीबोर्ड और माउस बेकार हो गया। पर ब्लूटूथ में ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लूटूथ में जब तक उस कीबोर्ड और माउस की ब्लूटूथ मॉड्यूल जिंदा है, तब तक आप उनको यूज़ कर सकते हो। पर हाँ, वर्स्ट के सिनेरियो में आपका कीबोर्ड या फिर माउस खुद ही खराब हो सकती है। ब्लूटूथ मॉड्यूल को खराब होने की ज़रूरत नहीं है, आपका कीबोर्ड या फिर माउस खुद ही खराब हो गया। उसके अंदर की जो सर्किटरी है उसमें किसी तरह का कोई डैमेज हो गया, या फिर कोई की ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, माउस ठीक से क्लिक नहीं हो रही है, या फिर माउस का मूवमेंट वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिनेरियोस बन सकते हैं। अब यह पे सवाल यह आती है कि इन दोनों में से कौन सा लिया जाए, USB RF या फिर ब्लूटूथ। देखिए, मैं यहाँ पे बताने वाला कोई नहीं होता हूँ, यहाँ पे आप अपना नीड को समझे कि आपको क्या चाहिए। आपको अगर लो लेटेंसी चाहिए, प्लग एंड प्ले का ऑप्शन चाहिए, तो आप ऑब्वियसली USB RF के साथ जा सकते हो। यहाँ पे एक खतरा ऑब्वियसली रहता है कि डोंगल खो जाने की, पर अगर आप इससे सर्वाइव कर सकते हो तो आप ऑब्वियसली USB RF के साथ जा सकते हो। यहाँ पे आप अगर USB RF के साथ जा रहे हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा कीबोर्ड और माउस लीजिए जिसमें USB यूनिफाइंग रिसीवर की सपोर्ट रहे। अगर किसी वजह से आपका USB RF रिसीवर खो जाती है, तो आप उस कीबोर्ड और माउस को एक यूनिफाइंग रिसीवर खरीद के यूज़ कर सको। पर अगर आप ऐसे यूज़र हो जिनको लेटेंसी से ज़्यादा मतलब नहीं है, 1 मिलीसेकंड और 1.3 मिलीसेकंड में ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप ऐसे लोगों में से हो जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ब्लूटूथ के साथ जा सकते हो, ब्लूटूथ कीबोर्ड या फिर माउस के साथ जा सकते हो। और अगर आप USB RF और ब्लूटूथ दोनों का ही सुविधा प्राप्त करना चाहते हो, तो कुछ ऐसे माउस और कीबोर्ड भी आते हैं जहाँ पे दोनों फंक्शनलिटीज़ एक साथ इनबिल्ट हैं। पर इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि ऐसे कीबोर्ड और माउस एक्सपेंसिव होते हैं, ये सस्ते में अवेलेबल नहीं होता है। सिर्फ एक माउस के लिए आपको मे बी 2500 रुपये देना पड़े या फिर 3000 रुपये भी देना पड़ सकता है।
तो बस आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो के पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ज़रूर टैप कर दीजिएगा। इससे होगा कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।